ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी अपने पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअर्स और योगी और गीता प्रेमी व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी हमारे चैनल को देख रहे हैं और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और ये ज्ञान की श्रृंखला चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, निःशुल्क, निस्वार्थ और निष्काम भावना से सबको ज्ञान देने के लिए गुरुजी निःशुल्क ये व्याख्यान दे रहे हैं। हम लोग गीता के 5वें अध्याय पर चल रहे हैं और 25वां और 26वां श्लोक है जिसके ऊपर हम लोग का एक प्रश्न बन रहा है जिसका समाधान गुरुजी करेंगे कि ऋषि लोग ब्रह्म को प्राप्त कैसे करते हैं। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वो वेद और उपनिषद और गीता के आधार पर इसके बारे में हम लोग को बताएं कि वो कैसे प्राप्त करते हैं और हम लोग भी कौन सा मार्ग का अनुसरण करें जिससे ब्रह्म को हम सामान्य व्यक्तियों को भी मिल सके। नमोस्तनंताय सहस्र मूर्तये सहस्र पादाक्षिशुरो वाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वत वृंद, सभी छात्रगण एवं सभी जिज्ञासु सज्जन वृंद और इस चैनल के संस्थापक व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, व्यक्ति का परम पुरुषार्थ है मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मन, वाणी, शरीर, बुद्धि आदि से पूर्ण रूप से स्वस्थ और निर्मल स्वरूप होके जब हमारी अवस्थिति बनती है तभी हम उस लक्ष्य के प्रति उन्मुख हो पाते हैं। जो प्रश्न अभी हुआ कि ऋषि लोग कैसे मोक्ष को प्राप्त करते हैं, क्या उसका स्वरूप है, वस्तुतः यहाँ पर जो ये श्लोक है इसके उत्तर में लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षेण कल्मषाः चिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत ही देरता। इसमें ऋषि शब्द का जो अर्थ है उसको पहले समझना आवश्यक है। सामान्य रूप से वैदिक पद्धति में ऋषि शब्द का अर्थ होता है ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, जो वेद मंत्रों का जिन्होंने दर्शन किया है अपने तपश्चर्या की वजह से उनको ऋषि कहते हैं। यहां पर गीता में ऋषि शब्द उसको गए जिसने उस परमात्म तत्व का दर्शन किया। ऋषंति पश्यन्ति आत्म तत्वम ये ते ऋषयः, जो उस परमात्म तत्व के स्वरूप को जानते हैं और जब उसको वो जानते हैं तभी वो मंत्र को भी देख सकते हैं। वेद मंत्रों का उनको प्रकाश होता है उनके मस्तिष्क में, वो ऋषियों का स्वरूप है। तो ऐसा वो स्वरूप कैसे बनता है उनका, तो उसके लिए भगवान ने विशेषण बताया। पहले क्षीण कल्मषा, उनके जितने कल्मष हैं, कल्मष क्या है, दोष, कौन से दोष है वो जिनकी चर्चा प्राय हो रही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो हमारे षट विकार हैं और पूर्वादि जन्म में हमारे द्वारा जो अनेक प्रकार के
ऐसे कर्म किए गए हैं जिनसे राग और द्वेष की स्थिति हमारे मस्तिष्क में बनती है। जन्म जन्मांतर में जो किए हमारे जो कर्म है उसके संस्कार हमारे आत्मा में बैठे हुए हैं, तो राग है, द्वेष है, और उनके द्वारा जो हमारी प्रवृत्ति बनती है गलत प्रवृत्ति, जिसके कारण हम अनेक प्रकार के पाप कर्म करते हैं, जिसके कारण बंधन में पड़ते हैं, तो वो जो सब पाप कर्म का पुण्य कर्म का भी जो स्वरूप है वो भी मोक्षादि में बाधक तत्व है, इसलिए वो कल्मश। और काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य षड विकार है, कल्मश तो है ही है। तो अपनी साधना के द्वारा, तपश्चर्या के द्वारा जिसने ये संपूर्ण जो कल्मश हैं उनको उन्होंने नष्ट कर दिया है, उसको सब भस्म कर दिया है अपने ज्ञान राशि के द्वारा, समाप्त कर दिया है। और छिन्न द्वैधा का मतलब क्या है कि जिनको किसी भी प्रकार किसी भी विषय में संशय नहीं है। द्वैध का मतलब यहां संशय, यह है या नहीं है, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता है, यह संशय उनको नहीं है, निश्चित है परमात्मा तत्व ही सत्य है, संपूर्ण जगत जो है उसी के द्वारा निर्मित है, संपूर्ण प्राणी उसी के अंशभूत हैं, आदि ज्ञान उसको निश्चित रूप से है, कहीं उसको संशय नहीं है। लेकिन द्वैधा उनको जो द्वित्व भाव है कि परमात्मा के अतिरिक्त भी कोई सत्ता है, अगर ऐसा कोई समझता है या जो है उसको कहीं संदेह की स्थिति है, वो उसको नहीं। और यतात्मानः जो निरंतर उस परमात्मा तत्व के जो है साक्षात्कार में लगे रहते हैं, अपने संपूर्ण चंचलता को, मन की चंचलता को संपूर्ण दोष से रहित होकर के उस परमात्मा तत्व के स्वरूप का निरंतर चिंतन करते करते तदरूप हो जाते हैं, इसलिए कहा है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो ब्रह्म को जानने वाला हो ब्रह्मैव भवति का मतलब क्या है, ब्रह्म नहीं होता मतलब ब्रह्म सदृश, उस ज्ञान के कारण ब्रह्म सदृश हो जाता है। और सर्वभूत हिते रताः, सर्व संपूर्ण प्राणियों में जिनकी हित बुद्धि बनती है, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, चाहे वो हिंसक प्राणी हो, चाहे अहिंसक प्राणी हो, चाहे सामान्य प्राणी हो, चाहे विशेष प्राणी हो, चाहे छोटा से छोटा प्राणी हो या बड़ा से बड़ा प्राणी हो, सभी प्राणियों में के हित में ही जिनके संपूर्ण कार्य होते हैं, ये ऋषि का स्वरूप है। संपूर्ण जिनके पापादि कर्म अपकर्म षड विकार जिनके नष्ट हो गए, जिनके जीवन में ज्ञान को विषय के लेकर जानकारी को लेकर किसी भी लेकर कोई संशय नहीं है, जिनके जितने कार्य हो भगवत संप्राप्ति और उनके स्वरूप के चिंतन में ही होता है, और संपूर्ण प्राणियों का हित चिंतन ही जो निरंतर करते रहते हैं, वो वही कहते हैं निज प्रभु मैं देखे जाते सरकार विरोध, किसी से उनका विरोध ही नहीं है, संपूर्ण प्राणियों में उनको परमात्मा बुद्धि हो रही है। ऐसे व्यक्ति ही ब्रह्म निर्माण लिभलभन्ते, वही ब्रह्म को ब्रह्म ज्ञान करके और उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करते हैं, उस परमात्मा के स्वरूप में जो है पूर्ण रूप से उसका ज्ञान करके और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और इसी तरह से दूसरा उन्होंने समाधान भगवान ने दिया इसका, काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्धते विदितात्मना। क्योंकि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उस परमात्म तत्व को जान लिया है, तो वो जो मोक्ष है उनके चारों तरफ विद्यमान है, वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए फिर बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो कौन है ऐसे जिनके लिए वह ब्रह्म निर्वाण जो है वो मोक्ष है जो चारों तरफ रहता है? तो सबसे पहले भगवान ने कहा काम क्रोध वियुक्तानां, जिसकी चर्चा हमने कई बार की है। काम क्रोध से केवल यहाँ पर काम क्रोध नहीं लेना, पूरे षड विकारों को लेना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो
तो ये जितने हैं इनसे जिनका संबंध समाप्त है, अर्थात ये जिसके मस्तिष्क को, बुद्धि को, अहंकार को, चित्त को बाधित नहीं कर सकते। देखिए इनका जो बाध है वो दो तरह का होता है। एक तो मान लीजिए आप जितेंद्रीय हैं, आपने काम क्रोध लोभ मोह मत्सर को आपने रोक दिया और बड़े सतर्क आप रहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनका ऐसा स्वरूप आएगा कि आप विचलित हो जाते हैं। कोई आपका 100 बार अपमान कर देगा तो 99 बार आप सह लेंगे, हो सकता है 100 बार आपको क्रोध आ जाए, या आपके घर में कुछ ऐसी विपत्ति आ गई कि आपका लोह बढ़ गया कोई प्राप्त करने के लिए, या आपको इस तरह से कोई अत्यंत सुंदर स्वरूप की कोई स्त्री पुरुष के लिए, या पुरुष के लिए कोई सुंदर स्त्री के लिए कोई सुंदर पुरुष को दिखाई पड़ा, न चाहते हो उसका मस्तिष्क उधर हो गया, भले ही वो उससे संपर्क न करे, परंतु मस्तिष्क का जाना भी दोष कर, तो मन से भी चिंतन का सर्वथा अभाव होना, ये काम क्रोध लोभ आदि का वियुक्तिपन है। तो काम क्रोध वियुक्ति नाम, और यत चेतसाम, यत चेतसाम का तात्पर्य जिन्होंने चित्त को पूर्ण रूप से अपने अपने नियंत्रण में ले लिया है। नियंत्रण लेने का मतलब यही होता है कि वो चित्त में उसका आभास भी नहीं होता, उसकी वासना समाप्त है, स्वप्न में भी जिसका चिंतन आप न करें, क्योंकि चिंतन दो का ही होता है, जो प्रिय हो अथवा जिससे आप द्वेष करते हो, दोनों का चिंतन होता है। जो प्रिय है उसको प्रिय भाव से चिंतन करेंगे, जिससे आपका द्वेष है उसको द्वेष भाव से उसका चिंतन करेंगे, तीसरे का चिंतन नहीं होता। आप किसी उदासीन का चिंतन नहीं करते हैं, चिंतन की एक स्थिति है कि आप जिससे आपका स्नेह उसका चिंतन करेंगे, जिसका आपका द्वेष है उसका चिंतन करेंगे, और जो ऐसा व्यक्ति है जो दोनों से अलग है, ना आप उससे द्वेष करते हैं ना उससे आप प्रेम करते हैं, उससे आप चिंतन नहीं करते, तो इसलिए दोनों का चिंतन का अभाव अपने मस्तिष्क में बनाना पड़ेगा। वो चिंतन स्वप्न में भी ना हो, उसके स्वप्न भी बिना दिखाई पड़े, इतना बड़ा आपको परिश्रम करना पड़ेगा, इतना बड़ा इतनी बड़ी साधना करनी पड़ेगी, तब आप यत चेतस बनेंगे। यतः नियत यतम नियतम चेत यस्य असो नियत नित यत चेता और यत चेतसा, माने जो निरंतर जिसका साधना के द्वारा जिसका चित्त पूर्ण रूप से आत्मवश है, जो स्वप्न में भी उसका चिंतन नहीं करता है, ऐसे जो यति है, और विदितात्मन जिन्होंने आत्म तत्व को सही रूप से ज्ञान कर लिया है। आज की स्थिति बड़ी भयंकर है, एक पुस्तक हम पढ़ लेते हैं तो अपने को हम बहुत बड़ा आचार्य समझ लेते हैं, प्रोफेसर समझ लेते हैं, विशेषज्ञ बन जाते हैं, और उसी संबंधित कोई किसी दूसरी पुस्तक से हमसे पूछा जाए तो हमको नहीं आता है। तो हमारा ये जो थोड़ा ज्ञान करके दंभ जो तभी होता है, क्योंकि दंभ तभी होगा जब आपका ज्ञान थोड़ा होगा, इसलिए भरतृहरि ने कहा यदा किंचित ज्ञोहम द्युप इव मदांध समभवो, हाथी की तरह वो अभिमान हो जाता है थोड़ा सा ज्ञान करने का। किंतु इसलिए ज्ञान का जो स्वरूप है, गुरु से स्वाध्याय करके ग्रंथों का अध्ययन करने के साथ साथ विद्वानों का, अपने से श्रेष्ठ विद्वानों का आज उनका बार बार उनका सत्संग करना, उनके बीच में बैठना उठना, उनकी सुनना, और उनके द्वारा की गई अपने ऊपर टिप्पणी को उसको सीरियसली लेना, वो टिप्पणी जो हमारे ऊपर की गई है उसका क्या स्वरूप है, क्यों हमारे ऊपर टिप्पणी की, तो वो जो दोष है, क्योंकि जो हमारे गुरुजन हैं वो हमारे ऊपर जो टिप्पणी करते हैं, हमारे जो पिता हैं, माता हैं, बड़े भाई हैं, चाचा आदि हैं, जो भी लोग हमसे बड़े हैं,
वो हमारे वो टिप्पणी क्यों करते हैं? हमको अच्छा बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। द्वेष भाव से उनकी टिप्पणी नहीं होती। और अगर कोई उनको टोंगने लगता है तो टिप्पणी करना बंद कर देते। तो जब कोई आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति आपके ऊपर टिप्पणी करना बंद कर दे तो जान लीजिए वो आपके ऊपर नाराज है, प्रसन्न नहीं है। क्यों नाराज है? क्योंकि आप उसकी टिप्पणी को सहने के आपके पास सामर्थ्य नहीं है, अपने को सुधारने का सामर्थ्य नहीं है, आप प्रतिवाद करते हैं तो वो तंग आकर के आपके ऊपर टिप्पणी करना बंद कर देता है, छोड़ देता है। जो करेंगे भगवान करेंगे, जितना इसको मिल गया उतना बहुत है, क्या करेगा, इसको अब लेने की इच्छा नहीं है, इसलिए वो टिप्पणी करना बंद कर देता है। इसलिए जो जिन्होंने सत्संग किया है उन श्रेष्ठ जनों के द्वारा की गई टिप्पणी का अत्यंत आदर भाव से उनका लेख उनको लेकर अपने जीवन को सुधारने का जिसका सतत प्रयास रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो वही जो है विदित आत्मा बनेगा। उस आत्म तत्व का सही ढंग से जब ज्ञान करेगा तो जब इतनी योग्यता आपके अंदर आ जाती है तो अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, आपके चारों ओर आपको उस परमात्म तत्व के पास जाने का मार्ग आपका प्रशस्त रहता है। और ऐसी स्थिति एक ऋषि तुल्य व्यक्ति की ही बन सकती है, ऋषि की बन सकती है, ऋषि तुल्य व्यक्ति बन सकती है। इतनी योग्यता आपके अंदर आनी चाहिए। उस योग्यता का स्वरूप जिसे भगवान ने यहाँ पर कहा, उन्होंने इसके लिए जो है तो सात क्रम उन्होंने बनाया। पहला क्षीण कल्मषः, दूसरा छिन्नद्वैधः, तीसरा यतात्मानः, चौथा सर्वभूत हितेरतः और पांचवा काम क्रोध वियुक्तत्व, छठवां यत चेतसत्व और सातवां वित्तात्मत्व। ये सात सिस्टम हैं। इन सात सिस्टम को जिसने सिद्ध कर लिया उसी के चारों तरफ वो मोक्ष की जो मार्ग है वो खुल जाते हैं, किसी भी तरफ से जाएगा वो मोक्ष उसको प्राप्त होता है। तो ये मोक्ष प्राप्त करने का, उन ऋषि तुल्य स्वरूप अपने को बनाने का ये मार्ग है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने सभी के उद्धार के लिए उन्होंने अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए उन्होंने दिया, जिसका अगर हम पालन करते हैं तो हम भी ऋषि तुल्य स्वरूप में होकर के और मोक्ष के पूर्ण अधिकारी बन सकते हैं। चारों तरफ मोक्ष के दरवाजे हमारे लिए भी खुल सकते हैं। तो गुरु जी बहुत ही सुंदर विवेचन हुआ आपने बताया, ये कि सेवन स्टेप्स हैं जो ब्रह्म को या उसके लिए मार्ग बताया भगवान श्री कृष्ण ने, वो विस्तृत रूप से आपने बताया। आपने बहुत सुंदर बात एक कही कि हम दो ही चीज़ों का केवल ध्यान करते हैं या उन्हीं के लिए सोचते हैं, उसी के बारे में कल्पनाएँ करते रहते हैं। पहली बताए प्रेम की और दूसरी बताई जिससे हम द्वेष करते हैं। लेकिन मेरा मानना है या अनुभव है या विज्ञान कहता है कि हम जिससे द्वेष करते हैं प्रेम से ज़्यादा उसके लिए सोचते हैं, क्योंकि उसका एक कारण है, क्योंकि ये जीन्स बोलते हैं, ह्यूमन इज ए बेसिकली इज ए एनिमल, जो मनुष्य है वो भी एक जानवर ही है। और उसमें जो ये पाया जा रहा है जीन्स की थ्योरी में कि जो उसमें जीन्स हैं तो उसमें जो है वो प्रारंभ से लेकर, मतलब उसमें मछली के भी जीन्स हैं, सियार के भी हैं और भालू के भी हैं, बंदर के भी हैं, सबके जीन्स हैं। और कितने परसेंट ज़्यादा किससे मैच कर रहे हैं। और इसी तरीके से आयुर्वेद में बताया गया कि इस व्यक्ति की शेर जैसी प्रगति, इसकी चूहे जैसी कुतरता रहता है। तो ऐसे जो है आयुर्वेद में प्रकृति की भी तुलना की गई है। और ये जो हमारे कुंडली बनती हैं उसमें भी जो है ज्योतिषाचार्य जी लिखते हैं कि इनकी प्रकृति उसके समान है, योनि। अब आपने शुद्ध शब्द बोला कि योनि, मतलब उसके समान लगभग है, यानी कि उस
कितनी बड़ी बात जीन्स वाली बता दी कि उसके जीन्स उससे मैच करते हैं, तो वैसा ही व्यवहार भी करता है जिसकी जैसी योनि बता दी। उसका जो व्यवहार होगा, क्योंकि जिस योनि का है, अगर शेर की योनि बताई, गाय की बताई, कि बहुत लोगों का लिखा था गाय की योनि के समान है, तो वो गाय की तरह सीधे, तो वो उस चीज़ को है। तो इसमें एक जो सबसे मुख्य बात आई गुरु जी, क्योंकि होता क्या है कि जंगल का एक नियम है, जंगल का एक ही नियम है जानवरों के लिए, कि या तो शिकार वो हो जाता है या वो शिकार कर लेता है। एक बड़ा व्यापक नियम है, या तो वो किसी का शिकार बन जाता है और या वो शिकार कर लेता है। तो बहुत से जानवर तो शाकाहारी हैं जो मांस खाते ही नहीं, तो वो तो किसी का शिकार नहीं करते। खरगोश है, तो ऐसे बहुत से जानवर हैं, ऐसे मनुष्य भी हैं, तो वो तो शाकाहारी हैं, वो कहाँ किसी को मारते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति है, स्वभाव है, एक चीज। दूसरी चीज है कि अटैक जंगल में तो एक ही बार होता है, तो उसके जीन्स में ऐसी ट्रेनिंग है कि उस एक ही अटैक के लिए वो इतना अलर्ट होते हैं कि जरा सी एक ध्वनि उत्पन्न हुई, ये शेर के पंजे की आवाज है, और खट से हिरण को भाग जाना है, कोई भी जानवर उसे भाग जाना है, क्योंकि उसे तुरंत मरना, वो शिकार हो जाएगा, क्योंकि वो इस तरीके से मरते गए और वो इस तरीके से सीखते चले गए, तो उसमें वो प्रवीण हो गए। तो हिरण जो है, ये कहा जाता है कई जगह पे, व्हाट्सएप इन सब में हम लोगों ने पढ़ा कि जो हिरण की जो स्पीड होती है वो शेर से ज़्यादा होती है, लेकिन वो भय के कारण जो है वो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है, उससे वो हार जाता है और शिकार हो जाता है। तो उन्होंने स्पीड भी बढ़ा ली शाकाहारियों ने अपने जीवन को बचाने के लिए। तो उसका जो चिंतन होता है, तो हमेशा एक, चाहे वो भोजन कर रहा है चाहे वो घूम रहा है, उसके दिमाग में एक ही विचार हमेशा है कि कहीं शेर आ जाएगा मेरा शिकार कर लेगा। तो उसका आधा से ज़्यादा दिमाग इस बात पे लगा है कि मेरा शिकार ना हो जाए। और यही मनुष्य का है कि जब वो ये देखता है कि द्वेष है, तो वो मेरा शिकार करके मेरे को मारेगा, फंसाएगा, कहीं ना कहीं जाल बिछाएगा, जैसा आजकल लोग बिछा रहे हैं तरह तरह से बिछा जाल। किसी की भी योग्यता जैसे बढ़ रही है तो उसकी लाइन को मिटा लो, तो वैसा आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना है, कैसे गिरा ले, इस पर सबसे ज़्यादा जो है फोकस कर रहे हैं। ये खास करके विद्वानों में ज़्यादा प्रभाव देखा गया है, और इसीलिए जो है भारतवर्ष का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोग निगेटिविटी में ज़्यादा विचार कर रहे हैं। तो उसमें गुरु जी ये ध्यान करना होता है। तो एक ये मनुष्य के जीन्स में बात आ गई कि एक बार अटैक होगा उससे हमें बचना है, तो प्रेम की जगह, और जब उसे इस तरीके की भावना, उसे ये लग जाता है कि मेरा शिकार हो जाएगा, मैं फंस गया हूँ, तो वो प्रेम जिससे कर रहा है उसे भी भूल जाता है, वो दोनों की, तो वो उस टाइम फिर जो है केवल अपने को बचाने के लिए हमेशा जिससे द्वेष है या जो उस पर अटैक करने जा रहा है उसी के चिंतन में रहता है। तो इन दोनों चीज़ों को छोड़ के ही ब्रह्म मिलेगा, कि ना तो यहाँ कोई शिकार कर सकता है और ना होता है, जो आजकल के नियम कानून हैं केवल एक भय पैदा किया जाता है। और इसीलिए शांताकारम का जो पहला श्लोक है, एक तो शांत रहना है और भय को अपने से दूर करना है, क्योंकि यहाँ कोई किसी का शिकार नहीं कर सकता, कल्पना छोड़ दे, लोग शिकार करेंगे तो वो भी शिकार हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे के पास भी बुद्धि है, खाली उन्हीं के पास बुद्धि नहीं, षड्यंत्रकारी, दूसरे की पास भगवान ने सद्बुद्धि दी, उस षड्यंत्र से कैसे निकल जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें ना तो किसी का षड्यंत्र रचना, ना तो किसी से द्वेष करना है, ना किसी से प्रेम, अपने को न्यूट्रल भाव पर रखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्म तत्व को पाते हैं। मैंने तो इस बात का ये अर्थ निकाला, बाकी गुरु जी आप फिर से जो है 2 मिनट में समराइज कर दें और इस पर विशेष टिप्पणी दें कि जो अब चर्चा मैंने की कि उसमें और क्या ज्ञान जुड़ सकता है, या आपका अनुभव क्या कह रहा है, क्योंकि आप ज्ञान वृद्ध है, वयोवृद्ध है, वेद मूर्ति हैं, उपनिषदों का आपको है, पुराणों का सबका ज्ञान है, उसके आधार पर हमारी शंका का समाधान करें कि हमेशा हम लोग के दिमाग में अपने को बचाने का ही ज्यादा रहता है। सर्वशास्त्रों में और नीति शास्त्रों में जो अभी आपने कहा कि पशु बुद्धि सब जगह होती है, हमारे भी शास्त्र कहते हैं
आहार निद्रा भय मंथनम च समान में तत् पशुभिर नारायणम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीन पशुभिः समान। आहार निद्रा और भय और मैथुन माने बच्चा पैदा करना, आहार निद्रा भय मैथुन। तो आहार निद्रा भय मैथुन ये जो चार चीज हैं ये पशु में और मनुष्यों में दोनों में बराबर पाए जाते हैं। तो अधिक क्या होता है, वो होता है विवेक, धर्माधर्म विचार। धर्मो ही तेषाम अधिक तेषाम मनुष्याणाम धर्म अधिका, वो धर्म का ज्ञान अन्य को नहीं होता है। कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को छोड़ करके किसी को नहीं है। देवता भी तरसते हैं कि उनको जो है भारत भूमि में जन्म मिल जाए, तो हम लोग भी कर्म करके और अपने मोक्षादि को प्राप्त करें। ये भारत भूमि का, क्योंकि कर्म भू रेशा केवल भारत भूमि को कहा गया, अन्य अन्य जो भूमि है उनको भोग भूमि कहा गया। बड़ा इसका महत्व है, तो इसलिए यहाँ पर ही साधना हो सकती है। दूसरी बात, जो व्यक्ति के पूर्ण रूप से सोचने की है या प्रवृत्ति की है, उसमें स्थिति दो तरह की बनती है, द्वेष में और प्रेम में भी। द्वेष में आपको भय भी होता है और क्रोध भी होता है। भय आपको होता है कहीं वो आपको खतरा न पहुंचा दे, और क्रोध ये होता है कि इसको हम पहले मार दें जिससे ये हमारे ऊपर अटैक न कर पाए। प्रेम में भी दो चीजें होती हैं। प्रेम में हम या तो उसका समर्पण चाहते हैं या अपने को समर्पित करना चाहते हैं, और प्रेम अगर कहीं स्वार्थी हो गया तो बराबर बराबर का सौदा तय होता है। इसीलिए कुछ लोगों का प्रेम जो है वो निस्वार्थ माना गया, उसमें माता पिता और गुरु ये तीन का विशेष स्थान है निस्वार्थ प्रेम करने में, और बाकी जगह तो यही है कि सुर नर मुनि सबका यह रीति स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, स्वार्थ के लिए ही सब कोई प्रेम करते हैं। आपका अगर हमारा कोई संबंध है तो कोई ना कोई स्वार्थ बनेगा, तभी बनेगा। बिना स्वार्थ के बिना प्रयोजन के हमारा आपका किसी कोई संबंध नहीं बन सकता है। किंतु ये तो तीन संबंध जो है, माता का संबंध, पिता का संबंध, गुरु का संबंध, ये निस्वार्थ होता है। अगर आप किसी गुरु के शरण में आ गए तो आपने कह दिया तवास्मी, मैं आपका हूं, आपका शिष्य हूं, ऐसा आपने कह दिया। और माता पिता के लिए तो वो भी नहीं है, वो क्योंकि उन्होंने तो पैदा किया है, जिस दिन से आप संसार सागर में आए उस दिन से आप उनके स्नेह के पात्र बने हुए हैं। कोई अगर आप एक ऐसे व्यक्ति से बात करिए जिसका लड़का अपने माता पिता को कष्ट दे करके और उनको निकाल दिया अपने घर से, उनसे ही पूछे आपका, अब तो आपको अपने पुत्र के प्रति स्नेह हो गया, इतना अत्याचार आपके पुत्र ने आपके किया, तो यही कहेगा नहीं वो पुत्र हमारा है, स्नेह तो कभी जिंदगी में नहीं छूटेगा। हाँ गलत किया तो यही कहेंगे भगवान उसको सब बुद्धि दे। गुरु के लिए भी यही है, कोई नालायक शिष्य निकल गया, दुष्ट निकल गया, पढ़ा लिखा नहीं, तो वो भी यही कहता है कि इतना हमने प्रयास किया ये व्यक्ति सुधर नहीं सका, अगर ये इसको भगवान सद्बुद्धि दे जिससे इसका अच्छा जीवन व्यतीत हो। तो स्नेह में भी समर्पण होगा तभी शिष्य का जो है गुरु के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति पूर्ण रूप से जब आत्मिक संदेश बनेगा, आत्मिक भाव बनेगा। इसी प्रकार मित्र का भी जब आत्मिक भाव बनेगा, जहां पर स्वार्थ की संभावना बनती है तो वो प्रेम का सात्विकता समाप्त हो जाती है वहां पर, फिर वो व्यापार बन जाता है। तो इसलिए स्नेह की जो दो भावना है, इसी प्रकार द्वेष की जो दोनों भावना, एक भय है जैसे आपने कहा कि प्राणियों को तत्पर से भय होता है,
और उसी द्वेष के कारण आपका क्रोध भी होता है, उसके प्रति द्वेष भावना बनती, उसको समाप्त करने की इच्छा भी होती है। और जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऐसे अवस्था में फिर और भी अनेक भाव उत्पन्न होते हैं जिनकी व्याख्या बहुत उचित नहीं है यहाँ। तो इस कारण से जो स्मृति का जो विषय बनते हैं ये दो ही बनते हैं, जिससे हम द्वेष करते हैं प्रेम करते हैं, और इनका जैसे जैसे अतिशयता बनते वैसे वैसे उनका स्मरण भी अतिशय होने लगता है। और दूसरे एक बात जो आपने कहा कि अगर आपको पूर्ण रूप से भय हो तो स्नेह ही भूल जाते हैं, उसका तात्पर्य होता है कि जब शारीरिक आपत्ति आपके सामने आती है तो आपको बाकी लोग भूल जाते हैं, क्योंकि आपको अपने शरीर की रक्षा करने की चिंता सबके ऊपर हावी हो जाती है। उसके बावजूद भी आप देखिए आपको जो चोट लगती है तो यह तो माँ का ही स्मरण होता है, ये तो पिता का होता है, आप कहते हैं अरे अम्मा या अरे बाप या अरे पिता, ये इत्यादि शब्दों का लोग उच्चारण करते हैं अचानक चोट के आने पर। उसका मुख्य कारण क्या है कि आपके स्नेह पात्र सर्वाधिक वही है। तो द्वेष भावना में भी और इनका एक अतिशयता उसके लिए विशेष कारण हो सकता है। गुरु जी एक शब्द और निकलता है, हाय राम। वो हाय राम शब्द कुछ नहीं निकलता है, वो जिसका उसका अभ्यास है निरंतर, जो राम के प्रति समर्पित होकर के उसका पूरा अभ्यास है उस तरह से बोलने का, बचपन से उसको सिखाया गया, उसी के मुख से निकलेगा, सबके मुख से। इसीलिए कहा गया रामायण में भी कहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही। तो उस अवस्था में भी राम शब्द का जल्दी उच्चारण नहीं होता, बहुत जिसका जिसने अभ्यास इस तरह से किया है कि हम किसी भी अवस्था में वो राम शब्द का ही उच्चारण करें उसी को राम शब्द निकलता है। तो अभ्यास भी उसका होना, फिर वो समर्पण की उतनी तीव्र भावना हो जाए, वो भावना होना बड़ा मुश्किल है ना जी। हाँ, तो वो जो भावना बनती है तो आप कहाँ निकलता, वो भी निकलता है, परंतु वो बहुत कम, हजार में एक आध लोगों की स्थिति ऐसी बनती है, सामान्य व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये इसका मुख है, तो इसलिए इसका सारांश यही है कि जब हम ये जो सात द्वार हैं उस मोक्ष प्राप्त करने के लिए पहले अपने संपूर्ण जो हमारे कर्मजन्य या काम क्रोध लोभादिजन्य जो दोष है उनका पूर्ण रूप से समाप्ति हो, संशय का भाव पूर्ण रूप से समाप्त हो, और हम पूर्ण रूप से जितेंद्रिय बने, अपने को पूर्ण रूप से हम अपनी मन को चित्त की चंचलता को दूर करें, और संपूर्ण विश्व के जितने प्राणी हैं, जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा जाता है कि 84 लक्ष योनि है। अब 84 लाख जब योनियाँ हो गई तो उस योनियों में हम देखते हैं कि एक एक योनि में करोड़ों लोग दिखाई पड़ते हैं। तो अगर ये तो अपने क्षेत्र की बात है, अगर संपूर्ण विश्व को ले तो अरबों खरबों लोग होंगे। तो अगर सबकी संख्या अगर गिने तो अनंत संख्या, अनंत का तात्पर्य ये नहीं कि गिनती नहीं, अनंत का तात्पर्य है जो हमारी गणना सामर्थ्य से बाहर, वो अनंत का तात्पर्य। तो उन सभी के प्रति जिसका स्नेह हो, काम क्रोध से जो वियुक्त हो, अपने चित्त को भी जिसने बस में कर लिया है, और उस जितना भी विदित है, विदित वेद तव्या जो है वेद में आया, जो जितने भी ज्ञेय वस्तु है उसका संपूर्ण ज्ञान उसको है, तो परमात्म तत्व के ज्ञान करने से संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो इसीलिए भगवान ने इसमें मुंडक उपनिषद में कहा, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है तो जितने भी संशय की ग्रंथि है सब समाप्त हो जाती है, सभी जो ग्रंथ में जो गांठ पड़ी रहती कर्मों की वो समाप्त हो जाती है, सभी कर्मों का क्षय हो जाता है। इसलिए परमात्म तत्व का साक्षात्कार होने पर ही उस पर ब्रह्म की प्राप्ति के स्वरूप जो मोक्ष का स्वरूप है वो उसको प्राप्त होता है। तो जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो नए आज जुड़े हैं जो देख रहे हैं इसको, तो कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से परिजनों से जूनियर सीनियर से भी शेयर करें। यदि आपको वार्ता पसंद आ रही है तो निश्चित रूप से शेयर करें, जिससे कि सबका साथ सबका विकास और सबको निःशुल्क ज्ञान और सबकी बुद्धि में निर्मलता पैदा करने का जो गुरु जी का उद्देश्य है, सबको ब्रह्म की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, तो वो सिद्ध हो सके। थैंक यू ऑल।